हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। आज जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, आपका जो पेपर हुआ है राजस्थान अध्ययन का, आपने अगर नहीं देखा है तो ये जो पेपर हुआ है, ये जो आपका गंगानगर जिला है वहाँ पे आपका जो ये पेपर हो चुका है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। गंगानगर जिले के अंदर जो आपका राजस्थान अध्ययन का पेपर आया 9th क्लास का, वो क्वेश्चन आप जरूर देखें और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट जरूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन आया था राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, तो हैदराबाद से हुई थी। बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन के दो पुत्र मारे गए थे, वो कोटा के थे, ठीक है। 1947 में जो कालीबाई है वो किस घटना में शहीद हुई, तो ये रास्तापाल घटना के अंदर शहीद हुई थी। राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं, बाल मुकुंद बिरसा को कहते हैं। बाद में जैसे विजय सिंह का असली नाम क्या था, भूप सिंह था। बेंगू किसान आंदोलन का प्रवर्तक कौन था या नेता कौन था, रामनारायण चौधरी, निरवाड़ा बटालियन, ब्यावर, भगत सिंह आंदोलन, गोविंद गिरी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। उसके तो बाद में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति के समय में कौन कौन सी छावनियां थी, तो छावनियां 6 थी। तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक है, एनी नेम मेरा ब्याह नहीं देखा, एरियनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक ने कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र लिखे हैं, तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी। चेक कर लेना ये आंसर, वैसे मैंने एक बार बता दिया आपको, फिर भी आप डाउट्स क्लियर कर लेना। बिजौलिया किसान आंदोलन से हर बार क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इसलिए आया था। इसके अलावा किस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कहा, विमोचन हत्याकांड जो था। बाद में राजस्थान में किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि किसानों की जितनी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाना। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये बच्चों के आंसर है, ध्यान रखना। मुख्यालय आप जरूर चेक करें मेवाड़ भीलकोर का, कई बार पेपर था। और इनकी दो छावनियां, मेवाड़ वाले जो लोग थे इनकी दो छावनियां पूछी गई। एक ही आंदोलन के बारे में बताना था, तो एक आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन है तो आप जरूर चेक करें। मीना विद्रोह से आए हुए जनजातीय विद्रोह जो हुए थे, मीना विद्रोह उस पे क्वेश्चन आया। मेवाड़ जन आंदोलन के बारे में टिप्पणी करनी थी उस पे क्वेश्चन आया। इसके अलावा जाए 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सी संधियों की शर्तें की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने जो हमारे राजाओं के साथ संधियां की उसके बारे में पूछा गया। नसीराबाद क्रांति जो हुई थी उसके बीच में 1857 के टाइम में क्या कारण रहे हैं कि नसीराबाद में क्रांति स्टार्ट हुई थी। और जो विजय सिंह पथिक है इनकी इम्पोर्टेंट भूमिका हर बार आती ही आती है पेपर के अंदर। इसके अलावा समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, तो क्या क्रांति को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने की बात हुई थी समाचार पत्रों के अंदर। अगर लिखने का तरीका ना आए तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बिजौलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, घटनाएं पूछी हैं। राजस्थान सेवा संघ के बारे में पूछा गया, राजस्थान सेवा संघ के बारे में आपने लिखना है, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। और इनका क्या उद्देश्य था, मेन मोटिव क्या था, राजस्थान के जितने भी किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करना। राजस्थान में महात्मा गांधी का क्या आंदोलनों पर प्रभाव पड़ा है, 1857 की क्रांति का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। और अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह भाटिया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे पेपर में हर बार क्वेश्चन आया ही आया है। और लास्ट क्वेश्चन है प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई और जोधपुर व बीकानेर प्रजामंडलों की भूमिका की आलोचना की जाए, तो जो बीकानेर वाला था या गंगा सिंह का प्रजामंडल था उसके बारे में आपने बताना है कि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।